friendship. अरे इन नादान परिंदों को क्यों मार रहे हो तुम? और तो फिर क्या तुझे मारूं? है कौन जो हमारे बीच में बोलने वाली है तू? अरे ये जंगल, ये जगह सब हमारी तो है, हम कुछ भी करें तो मोती कौन हो? ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये तुमने सब कुछ खरीद लिया है। हाँ खरीद लिया लड़की, तुम शायद हमें जानती नहीं हो। तुम्हें जान के करना भी क्या, बस मैं तो ये कहने आई थी कि ऐसे इन बेजुबान पंछियों को मत मारो, गलत बात होती है ऐसे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया अगर इनकी जगह तुम होते हो, अगर तुम्हें कोई मारता है दर्द नहीं होता है क्या? वाह, अरे हमने ये तो सोचे नहीं, इतने अच्छे संस्कार और इस गांव में। देखो लड़की, हम ये तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, बस हम इतना जरूर जानते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं और हमारा यहाँ पर हुकुम चलता है और हमारे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, तो परिंदों की तो औकात क्या है। खैर छोड़ो, सही टाइम पे तुम आई हो, लाओ पानी पिलाओ। पहले ये तो बताओ तुम हो कौन, और सबसे पहले तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। अब से पहले तो हमने तुम्हें भी कभी नहीं भेजा। अरे हम आते थे और चले आते थे हवेली से। हम रंजीत सिंह के छोटे भाई रवि सिंह हैं। क्या हुआ, इतना बुरा मुंह क्यों बना लिया? हैं? बुरा मुंह नहीं, हम अपने दुश्मनों को पानी नहीं पिलाते। दुश्मन? अरे अभी तो जान पहचान भी नहीं हुई, ना तुम जानती हो ना हमें पहचानती हो, बस हमने अपना नाम बताया और आपने दुश्मनी निकाल ली। बस नाम ही बता दिया उतना ही काफी है, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। हे लड़की, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, आखिर हम तुम्हारे दुश्मन कैसे हैं? अरे हम तो यहाँ प्यार बांटने आए हैं इन परिंदों के साथ, इन जानवरों के साथ, इन हवाओं के साथ। मार के प्यार बांटा जाता? मार के प्यार नहीं बांटा जाता, ये तो हमारा शौक है शिकार खेलने का, हम शिकारी हैं शिकार खेलेंगे। और वैसे भी इस जंगल में जंगली जानवर बहुत हो चुके हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको ख़त्म करने का मकसद हमने पूरा किया है और बीड़ा भी उठाया है, और उन जंगली जानवरों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि तुमने हमें दुश्मन क्यों कहा, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ए लड़की, ये बड़बड़ बड़बड़ करने की बात नहीं है। देखो अच्छा चलो दुश्मनी है तो कहते हैं कि पानी के लिए तो दुश्मन को भी मना नहीं करते, तो पानी पिला सकती हो। पानी पीने का अगर इतना ही शौक है तो अपने घर से मटका लेके आओ, भरो और पियो और मेहनत करना सीखो, ऐसे फालतू में मत घूमो, इन बेजुबान जानवरों को मार रहे हो। अजीब लड़की, न जान न पहचान, अभी तक तो हमने यही सुना कि न जान न पहचान, बड़े मियाँ सलाम, लेकिन इसने तो हमें दुश्मन मान लिया, शायद ये जानवर तो बहुत प्यार करती है। चलो आज साला मुंडी खराब हो गया, किसी को नहीं मानना। अरे कहाँ जा रहे? हाँ वो थोड़ा सा काम है तो उसको खत्म कराऊं, पिताजी ने कहा है। सुन तो, लेकिन थोड़ा सा काम वो कल कर लेना, अब रहने दे जा। कल कर लेना? हाँ। पागल हो गई है, खेत का काम कोई मना भी करता है, खेत का काम अगर आज नहीं हुआ तो क्या कहते हैं अनाज कैसे पहुंचेगा? हाँ मेरे साथ थोड़ा हाथ बटा दे, वो नाज है ना उस टंकी में करना है। अरे नहीं नहीं कर ले, मैं आगे कर रहा हूं। मेरी थोड़ा सा हेल्प करा दे मेरी। तुझे क्या हो गया है? कैसे हुआ? कुछ नहीं है, मैं अकेली लगी रहूंगी, और हाँ वैसे भी मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द है। ये नाटक करना बंद कर, अच्छी तरह जानता हूँ ये सब के लिए ना काम करने के तौर तरीके, और ये हथकंडे अब मुझ पर काम नहीं करेगी। अरे सुन तो, मेरी ना सीढ़ियाँ फड़क रही है, जब भी मेरी सीढ़ियाँ फड़कती है ना तो जरूर किसी कोई ना कोई अनहोनी होती है। अरे कुछ नहीं हो रहा अनहोनी, और ये सब तकिया नूसी बात है, कहाँ किस समाज में जी रही है, देख सुन लीजिएगा।
अपने आप उस काम को कर ले, मुझे पता है तू मेहनत नहीं करना चाहती। बात समझा कर, देख आज मत जाना, कल चला जाइयो। अरे क्या बात है, क्या दोनों बहन भाई क्या बहस कर रहे हो, मुझे भी तो पता पड़े। पिताजी बात ऐसी है, मैं जा रहा हूँ खेत पे, आपने कहा था तो उस अनाज को भरवा के गोदाम तक पहुँचवा दे। मैं उस अनाज को निकलवा के गोदाम तक पहुँचवाने वाला था, ये है कि मुझे जाने ही नहीं दे रही खेत पे। तुझे क्या परेशानी है इसके जाने से और ना जाने से? पिताजी परेशानी कोई नहीं है, पता नहीं आज मेरा दिल घबरा रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, मेरी सीधी आंख फड़क रही है। आज आज रहने दो, ये कल चला गया। पागल है ये, अच्छा सुन, काम कौन करेगा? अच्छा सुन चंदा, तू इतनी घबराई हो क्यों? बस मैं ये जाना चाहती हूँ आज मत जा। अरे कोई बात तो होगी, बात तो बता। बात ये है पिताजी की, ठाकुर का छोटा भाई आ गया है और वो जंगल में घूम रहा था और बेजुबान जानवरों को मार रहा था। रवि? मैं उसका नाम तो नहीं जानती लेकिन हाँ, मैंने सुना है। उसका छोटा भाई है ठाकुर का, वो तो एक जल्लाद किस्म का आदमी है। तो पिताजी अब हमें डर के जीना पड़ेगा। हाँ बेटे, तू नहीं जानता उनकी पहुंच कहाँ तक है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो उनके दिल में जरा भी रहम नहीं है, और वैसे भी हम गरीब लोग हैं, हम उनकी बराबरी कहाँ कर लेंगे बेटे। बात तो ऐसी बात है कि तू खेतों पे जाना बंद कर दे दो तीन दिन। पिताजी बात खेतों पे जाने की नहीं है, बात डरने की है, बात सही और गलत के आगे झुकने की है। आज तो हम, चलो आपने मुझसे कह दिया कि आज खेत पर ना जाऊँ, ठीक है मैं आपकी बात मान भी लूँ, मैं नहीं जाता खेत पे, लेकिन ऐसे कब तक जिएंगे? इस तरीके से तो ठाकुर हमारा सब कुछ बंद करवा देगा। बेटे कुछ दिनों की बात है, जब गौरी की शादी हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी, तो ये सारी बातें सब भूल जाएंगे। बस पिताजी आपने कह लिया और मैंने सुन लिया, मेरे अलावा गौरी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि गौरी से मैंने वादा किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं उससे मोहब्बत करता रहूंगा। और बात हुई गौरी की शादी की, तो शादी तो उसकी जब होगी, अगर वो लोग बगावत चाहते हैं तो उन्हें बदले में बगावत ही मिलेगी, क्योंकि गौरी सिर्फ मेरी है, मेरी है और मेरी है। देखो कैसा ना हो कि कल को कुछ कुछ कर बैठे वो लोग और ये भी करने बैठ जाए। पिताजी वो लोग बहुत ज्यादा लोग हैं और तुम तो जानते हो शंकर के अलावा हमारा कोई नहीं है, और घर को शंकर को कुछ हो गया तो मुझे तो मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पिताजी आप किसी भी तरीके से करके शंकर को रोको और गौरी की शादी हो जाने दो पिताजी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो और इस खून खराबे में किसी की जान भी चली जा सकती है। चल बेटे समझा के देखता हूँ इसे, समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो तू जानती है कि इसका क्या होगा। चल गौरी, देख बेटा मैंने रवि को ठाकुर विक्रम सिंह हैं उनके घर पे भेज दिया है, सारी जो सामग्रियाँ हैं शादी की उन सारी सभी चीज़ों का बंदोबस्त कराने के लिए, अब वो सारी तैयारियाँ करा देगा। अब देख कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, और हम इस गांव में शादी नहीं, हम शहर में जाके शादी करेंगे बेटा। बस मैं एक पिता होने के नाते तेरे हाथ छोड़ रहा हूँ बेटी, देख जो हुआ मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जैसा मैंने किया वैसा नहीं करना चाहिए था, पर बेटा देखा अब तो तू देख शादी कर ले, घर बसा ले, घर बस जाएगा तो ये समझ ले कि बस मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बस अब कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो कि वो चीज़ ठीक ना हो। ठीक है बेटा। लेकिन पिताजी मैं शंकर को नहीं भूल सकती, अब मैं शंकर को दिल से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा वो हमारे बराबर के नहीं हैं, मैं तुझे कितनी बार बताऊं वो हमसे नीचे हैं बेटा, वो हमारे ये समझ ले कि वो हमारे पास बैठने लायक नहीं है, वो हमारे पास बैठने लायक नहीं है बेटा, ये तो सब सोच है। और बेटा प्यार प्यार प्यार
प्यार कब तक तुम्हारा साथ देगा? अरे अगर प्यार प्यार के ऊपर ही अगर ये दुनिया टिकी होती तो क्या आज तक कोई इंसान कुछ कर पाता? प्यार के साथ साथ कुछ कमाने का हुनर भी होना चाहिए बच्चे में, कुछ करने की जज्बात होनी चाहिए। वो क्या करता है दयाराम का लड़का, क्या करता है? खेत पर जाना, ये करना, खेती बाड़ी करना, इन चीजों से ये सब गृहस्थी नहीं चलती। मेरी बात समझ बेटा, मैं एक पिता होने के नाते तुझे समझा रहा हूँ, गृहस्थी नहीं चलती। काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता है, क्या पता उसकी नौकरी लग गई, पर बेटा वो भी पैसे वाला बन गया तो। मैं तुझे समझा रहा हूँ शंकर, शंकर 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 भूल जा शंकर को। और हाँ एक बात कान खोल के और सुन ले, जितना मैं तुझसे प्यार करता था तूने आज उस प्यार की असलियत को भी दिखा दिया। तो बेटा ऐसा है कि हम तुझे अब यहां रखेंगे नहीं, अब सीधे शहर ले जा करके और तेरी शादी करा के तुझे सीधा वहीं भेज देंगे, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तू शंकर को भूलेगी नहीं और हम उस शंकर के लिए तेरे लिए कभी राजी होंगे नहीं। पिताजी मैं आपके पैर पड़ती हूं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। पिताजी मैं शंकर के बगैर नहीं जी सकती। पिताजी उससे दूर मत करो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी हमने कहा कि हम शंकर के लिए राजी कभी नहीं होंगे और ना कभी थे उस लड़के के लिए राजी। वो गरीब खानदान के हैं, भिखारी हैं। और हाँ अब तक तो मैंने तुझे इजाजत दे रखी थी घर से बाहर निकलने की, इधर उधर घूमने फिरने की, और आज के बाद ये सब सारी चीजें बंद। आज से घर से बाहर निकलना बंद है तुम्हारा, सब चीज का, सब चीज पर रोकाबंदी हम तुम्हें लगाएंगे, समझ में आया? और हमारा कहना तुम्हें मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा। जाओ अपने कमरे में, हमने कहा जाओ अपने कमरे में। भैया भैया। हाँ रवि। हाँ आ गया। हाँ भैया, भैया एक गंभीर बात है। क्या भैया? उन लोगों को पता चल गया कि गौरी का यहाँ पर किसी से प्रेम संबंध चल रहा है। वाकई सच बोल रहा है तू? हाँ भैया। नहीं ऐसा ही हो सकता रवि, लेकिन भैया मैंने उनको किसी न किसी बहाने समझाया, समझ तो गए, लेकिन वो सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं हमसे, बोले कि आपकी बेटी से शादी तो कर लेगा हमारा बेटा, लेकिन दहेज में हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़? जी भैया। इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आपने गौरी को समझाया? समझाया, वो तो अभी भी शंकर शंकर बोल रही है, और वो कह रही है कि मैं शादी किसी से नहीं करूंगी सिवाय शंकर के, चाहे मर जाऊंगी पर शंकर के सिवा किसी और को नहीं चाहूंगी। तो ठीक है भैया, रवि कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर। ठीक है मैं एक बार और समझाता हूँ। तू समझा के देख ले, क्योंकि मेरी तो बात वो मानी नहीं। आप बेफिक्र हो भैया। गौरी जी। चाचा जी देखो गौरी, अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। हम तुम्हारे फैसले के लिए, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी फैसला तुम ऐसा करो जिससे हम सबकी पगड़ी उछल जाए। गौरी तुम हाँ करो, जो कि विक्रम सिंह के लड़के से तुम्हारी शादी होगी और हम ये रिश्ता तय करके आए। उसके लिए जायदाद तो क्या, अगर वो हमारी एक एक पाई भी मांगेंगे तो हम उनको दे देंगे। मतलब पाई मांगेंगे? मैं समझी नहीं चाचा जी। समझने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम उस विक्रम सिंह के खानदान की बहू बनोगी, बस। आज के बाद तुम उस शंकर का नाम नहीं लोगे इस घर में। लेकिन क्या? लेकिन लेकिन क्या? मैं शंकर को भूल नहीं सकती चाचा। गौरी काश
काश हमारा हाथ अगर औरतों को उठाने का होता ना, तो अब तक तुम्हें जान से मार देते हम। लेकिन क्या करें, जब अपने ही सिक्का खोटा है तो बस कितना जलील करोगे और हमें, कितना जलील करोगे अपने बाप को? अभी कभी देखा अपने बाप की नजरों में? अरे जो बाप तुम्हें कंधे से लेकर पूरा गांव शहर सब जगह घुमाता था, आज उस बाप को तुमने उस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने आप से खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा है। गौरी तुम जा क्या रही हो? गौरी देखो, हम उस शादी के लिए राजी होते अगर वो हमारे बराबर का होता, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि बस गांव वाले क्या सोचेंगे। देखो गौरी, गांव वालों को तो थोड़ा बहुत पता चल गया है, और गांव वालों के क्या, जिस जगह तुम्हारा रिश्ता लगाया वहां भी पता चल गया है। गौरी बंद करो ये नाटक, अगर ये सब कुछ और चलता रहा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना तुम रहोगी ना तुम्हारा शंकर। और हाँ, बहुत शंकर शंकर कर लिया तुमने, अगर तुम चाहती हो कि शंकर को जिंदा रहना तो हाँ कर दो वहां शादी करने के लिए, वरना शंकर सिर्फ एक नाम रह जाएगा। शंकर, शंकर, शंकर तुम यहाँ? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? शंकर तुम थोड़ी देर रुको, मैं दरवाजा लगा के आती हूँ। मैंने दरवाजा लगा दिया। शंकर तुम यहाँ क्यों आए? पिताजी और चाचा जी वो दोनों तो तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, हमारे प्यार के दुश्मन बन गए हैं। शंकर मैं क्या करूं? जानता हूं गौरी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा हमारे प्यार के दुश्मन बन गए, लेकिन गौरी हम कर भी कह सकते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में परेशान हो गया हूँ, पिस गया हूँ। शंकर अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। हाँ शंकर, सोच लिए शंकर, मेरे पिताजी और चाचा जी तो तुम्हारी जान लेने पे तुल गए हैं। जानता हूँ, पर एक बात याद रखना, जानती हो फिर भी मेरे रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर में उनका भी नहीं लौट पाओगे। शंकर मैंने तय कर लिया है, मुझे अब जीना है तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मुझे जीना ही नहीं, क्योंकि मैं इस घर में एक एक पल घुटती रहूंगी तुम्हारे बगैर। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और लौटकर इस गांव की तरफ देखेंगे भी नहीं। गौरी, गौरी बेटा, गौरी, गौरी क्या सो रही है क्या? गौरी, 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 गौरी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। गौरी, गौरी, रवि, रवि, जी भैया, रवि जल्दी आ। गौरी, भैया, रवि, गौरी, रवि, गौरी कहाँ चली गई? भैया, भैया, वो रस्सी, वो खिड़की से। मुझे लगता है कि गौरी चली गई, मगर जाएगी कहां तक, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। रवि जल्दी देख, शंकर, शंकर, तुम तो तुम यहां रहती हो? हाँ, लेकिन इतनी तेज शंकर शंकर क्यों चला रहे हो? शंकर कहां है? शंकर कहां है? शंकर खेतों पे होगा, और कहाँ है? शंकर खेतों पे नहीं है, शंकर गौरी को लेके भाग गया है। शंकर गौरी को लेके भागा है या गौरी शंकर को लेके भागी है? खबरदार, वो नादान है, वो बच्ची है, उसको नहीं पता। अच्छा, वो नादान है, वो बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो दोनों भाग गए, ना जाने उनके कितने दुश्मन थे, एक दुश्मन और नया पैदा हो गया। चंदा एक बात सुन लो, तुम अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला इस तरह नहीं ले सकती।
पुरानी दुश्मनी का बदला? अरे मुझे लेना होता तो मैं बहुत पहले ले चुकी होती। एक बात सुन लो, मैं सिर्फ तुमसे भैया वार्निंग देने आया हूं तुम्हें, ना ही तुम्हारे साथ बहस करने आया हूं, सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तुम्हारा भाई हमारा जानी दुश्मन है, शंकर गौरी को लेकर भागा है और उसको आज मैं मिटा दूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा प्यार खत्म किया था। अरे भूल गए, आज से 5 साल पहले वाली बात याद करो। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुमने जैसे कहा मैं वैसे करती रही, तुमने मेरा इस्तेमाल तक किया, हमेशा मुझे शादी का दिलासा देते रहे कि मैं शादी करूंगा, अपने घर की बहू बनाऊंगा, लेकिन जब तुम्हारी इज्जत पे बात बनाई तो मुझे छोड़ के चले गए यहां से। तुम क्या जानो प्यार होती क्या चीज है? अरे तुमसे तो प्यार की बातें करना बेकार है, सिर्फ तुम इस्तेमाल करना जानते हो औरतों को, प्यार नहीं। अरे तुम्हारे लिए तिल तिल मरी, तिल तिल तड़पी मैं, फिर भी तुमने मेरा इतना इस्तेमाल किया, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती रही, तुम्हें भुला नहीं पाई। लेकिन जब तुम्हारी बात याद आई ना मुझे कि छोटे खानदान से हम अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते, मैं किससे कहूं? उसी तरह उन लोगों का भी प्यार खत्म कर देना चाहते हो? अरे बस करो ये, बस करो ये। अरे किसी को तो मिल जाने दो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता आखिर मैं प्यार करने वालों के इतने दुश्मन क्यों है। अरे प्यार करना इतना गुनाह है? प्यार करना गुनाह है, लेकिन जब कोई लड़का लड़की के साथ गलत करता है वो गुनाह नहीं है। सारे आप उसका कत्ल कर देता है वो गलत नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो गलत नहीं था? मैं किससे जाके अपने प्यार की भीख मांगू? ला सकते हो मेरी खोई हुई इज्जत वापस? ला सकते हो इस समाज में वो सम्मान? ला सकते हो मेरे बाप की नजरों में वो प्यार? ला सकते हो उस भाई की खोई हुई बहन वापस? इस घर में मैं रह जरूर रही हूं एक जिंदा लाश बन के। अरे शंकर को मार के तुम उसके गुनेगार बन जाओगे, लेकिन मैं अपना गुनेगार किसको मानू? मेरा भी तो कोई गुनेगार है, मैं किसको मानू? बोलो, जवाब दो, बोलती बंद हो गई। खैर तुम जैसे से तो बात ही करना बेकार है। देखो रवि, मेरा प्यार ना मिल सका, मेरे साथ जो हुआ वो मैंने एक घाव समझ के भूल गई, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन लोगों को मिल जाने दो, उन लोगों को अलग मत करो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम अपने भाई की तरह मत बनो। मेरे साथ हुआ मैंने भुला दिया, मैंने समझा कि मेरे साथ कोई बुरा हादसा हुआ, बस भुला, सब कुछ भुला दिया। बस बस चंदा बस, और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? अरे हम ही समझते थे औरतों को कीड़े मकोड़ों की तरह, हमें लगता था कि औरत सिर्फ एक कीड़े मकोड़ों की तरह होती है जिन्हें कभी भी मसल के फेंक दिया जाए। अरे हमें तो यह भी नहीं पता कि प्यार मोहब्बत क्या चीज होती है, औरत की इज्जत क्या होती है। जब आज अपनी इज्जत पे बनकर आए तो बस खड़े हो गए बंदूक लेके। चंदा मेरा शंकर गुनेगार नहीं, लेकिन हाँ अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारा गुनेगार है तो रवि है। ये लो बंदूक, राज खत्म कर दो मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो रवि? मैंने तुमसे प्यार किया था और आज तक तुम्हारे इसी प्यार की खातिर मैं किसी और की नहीं हुई, क्योंकि एक बार जिसने मुझे छू लिया कोई और मुझे नहीं छू पाएगा। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तो वो सब कुछ सह गई, लेकिन ये बच्चे नहीं सह पाएंगे। हाँ चंदा, मैं ही गलत था, मेरे भाई गलत थे, मेरे खानदान गलत था। अरे हमने तो
हमने छोटे बड़ों में फर्क नहीं समझा, हमने सिर्फ एक ही चीज समझी कि खानदान का नाम झुकेगा। मैंने तुमसे प्यार किया था, बस अपने पिताजी अपनी माता अपने भाई के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन लेकिन जब आज पता चला कि प्यार मोहब्बत क्या होती है, आज एहसास हुआ, अरे मुझ जैसा बदनसीब तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता जिसने खुद अपने प्यार की चिता जलाई हो, आज एक और चिता जलाने जा रहा है अपनी बेटी जैसी भतीजी की। बस अब ये सब नहीं होगा, अब सिर्फ होगा तो प्यार होगा। इससे पहले देर हो जाए तो मुझे जाके रोक लो, कहीं वो लोग मेरे कहने से नहीं रुकेंगे, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। अगर तुम आवाज दोगी, तुम रोकोगी तो रुक जाएंगे, मेरे कहने से नहीं रुकेंगे। अगर मुझे देख लिया उन्होंने तो कोई गलत ना कर ले, इससे पहले देर हो जाए। चंदा सिर्फ तुम ही रोक सकती हो उनको, मेरे रोकने में वो बात नहीं होगी, वो कुछ कर बैठेंगे, इससे पहले देर हो जाए। चलो चंदा चलो। भैया। हाँ मैं। और कहाँ जा रहा है? और इस दुश्मन की लड़की के साथ? भैया भैया ये दुश्मन नहीं है, अरे ये तो वो मेरा प्यार है जो मैंने अपने खानदान के आगे बोला दिया था। बस कर बस। अगर अपनी जवान से इस लड़की का नाम भी लिया तो मैं तेरी जवान काट लूंगा। बस भैया बस, आखिर कब तक ये सब करते रहोगे हैं? अरे भैया अरे कितनी जिंदगी बर्बाद होगी। मैंने जानते हो शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं जानता था एक दिन चंदा से जरूर मिलूंगा। भैया भैया सब कुछ छोड़ दो, गौरी और शंकर को एक होने दो भैया। बस जुबान बंद कर अपनी, अब तेरी रगों में ठाकुरों का खून नहीं बल्कि इन जैसे दरिंद्रों के खानदानों का पानी घूम रहा है तेरी रगों में। अब तो तुम लोगों के बस की बात तो है नहीं, अब तो शंकर का अस्तित्व मैं ही मिटाऊंगा। तो आप भी एक बात सुन लें भैया, आप क्या चाहते हो कि शंकर और गौरी को आप अलग कर दोगे उसी तरह जिस तरह मुझे और चंदा को अलग किया गया था? अरे उस वक्त मेरी भाभी आपके हाथ जोड़ती रही और आप मोहब्बत के दुश्मन बने हुए तमाशा देखते रहे। मैं और ये कैसे ऐसे बंधन में बंधे जा रहे थे, उस बंधन के सारे रिश्तों को आपने खोखला कर दिया। भैया आप इंसान नहीं हो, आप हैवान हो, जानवर हो। आज मेरा भाई ये बातें कर रहा है जिस भाई को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और आज वही मेरे दोनों हाथों को काटने पर तुला हुआ है। मैंने नहीं सोचा था। बस भैया बस, अगर आपको यही लगता कि खून बहाने से आपको सुकून मिलेगा तो लो मैं इस दुनिया से चला जाता हूं। नहीं रवि, रवि भैया भैया मेरे भाई क्या कर रहा था मेरे भाई? भैया क्या करने जा रहा था ये? भैया अगर खून से सब कुछ आपके दिल को तसल्ली मिलेगी तो बहादो खून, ये लो पिस्तौल, मार दो गौरी और शंकर को, मार दो हम दोनों को। अगर आपको इसी चीज से सुकून मिलेगा तो मार दो भैया। हाँ मैं गलत था, मैं उस टाइम इस लड़की का गुनहगार जितना हूं ना उतना ही गुनहगार आप हो। अरे इस लड़की ने सिर्फ मुझसे प्यार किया था और आपने क्या किया, हम लोगों को अलग कर दिया। आज वही चीज दोबारा करने जा रहा हूं, बस फर्क इतना है उस टाइम मैं और चंदा थे और आज शंकर और गौरी। भैया बस कर, अगर खून बहाने से आपके दिल को सुकून मिलेगा तो मार दो हमें। नहीं मेरे भाई, मैं तुझे क्यों मारूंगा भैया, पर आज कुछ बातों के साथ साथ मेरी आंखें भी खुल गई तुम्हें। भैया मैं आज मैं
मैं वाकई भी गुनेगार। भैया चंदा, आप मेरे गुनेगार नहीं हो, चंदा के भी गुनेगार हो। बेटी मुझे, आप तो मेरे पिता समान है, बल्कि मुझे आपके पैर छूने चाहिए। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। तेरे पिता को किस तरीके से बेइज्जत किया आज मैं, क्या मैं उन बातों को कभी भुला पाऊंगा? हाँ भैया, उन बातों का प्रायश्चित करने का मौका है। शंकर और गौरी की शादी करके सब कुछ भुला दोगे भैया। चलो इससे पहले देर हो जाए, चलो बंदूक लाओ भैया, चलो आओ। शंकर! दीदी आप? शंकर मेरे भाई, रुक जा, कहीं मत जा तू। नहीं दीदी, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। शंकर तुम मत जाना, ये मार देंगे हमें। नहीं दीदी। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। शंकर तुम्हारी दीदी सही कह रही है, मैं और चंदा एक हो गए। चंदा ने तुम्हें शायद बताया नहीं होगा कि मैं और चंदा के साथ भी यही हुआ था, मेरे और चंदा के साथ भी यही किया गया था। भैया जाओ, जाओ उन दोनों को गले लगाओ। क्यों जाओ भैया? क्यों नहीं, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों गले नहीं लगाऊंगा इन्हें? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं बहुत बड़ा गुनेगार, मुझे माफ कर। बेटी मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनेगार था बेटा। मैं आज से बस आप बच्चों को आशीर्वाद दे सकता हूँ। और ऐसे नहीं, आप दोनों की शादी होगी और शादी भी बड़ी धूमधाम से कराई जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं शादी करूंगा और तुम दोनों की शादी से मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आओ चलो चंदा।